ये है एलईडी चेसर बोर्ड। इसे बनाने के लिए लगेगा प्लास्टिक शीट और ये है पीसीबी लेआउट। और पीसीबी लेआउट को हम इस तरह से प्लास्टिक शीट के ऊपर बैठा देंगे और जहाँ जहाँ पे डॉट का निशान है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर छोटे छोटे करके पहले से ही होल बना ले रहा हूँ ताकि ड्रिल बिट अच्छे से बैठ जाए ड्रिल करते टाइम। और ये है सर्किट डायग्राम जिससे हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। और ये है एलईडी लाइट की कनेक्शन। और ये मेरा मार्किंग हो गया है। और ये छोटे छोटे करके जो मैंने होल बना लिए थे पहले ही। और हम इस बोर्ड को ड्रिल करेंगे 1 mm ड्रिल बिट की सहायता से। और ड्रिल करते टाइम ध्यान रखना है कि होल ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इससे कंपोनेंट्स का जो लेक है वो लूज हो जाएगा। पीसीबी ड्रिल हो गया है और उसके बाद ये कंपोनेंट्स है, जो जो कंपोनेंट्स इस पीसीबी को बनाने के लिए लगेगा वो मैंने ले लिया है। और पीसीबी लेआउट को इस प्लास्टिक शीट के ऊपर चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे चिपका लेंगे। ये चिपक गया है। और उसके बाद कंपोनेंट्स को फिल कर लेंगे। कंपोनेंट्स फिल करते वक्त अच्छे से लगाना है क्योंकि कभी कभार गलती हो जाने से पूरा सर्किट ही डैमेज हो सकता है। इसलिए सर्किट डायग्राम को देख देख के आपको कंपोनेंट्स फिल करना है ताकि गलती ना हो जाए। ये पोटेंशियोमीटर लग गया है, सभी कंपोनेंट्स लग गया है। अब बारी है वायरिंग करने की। पीसीबी लेआउट के हिसाब से आपको वायरिंग कर लेनी है। अच्छे से आपको सोल्डरिंग करना है। और ये बोर्ड बन के रेडी है। अब बारी है एलईडीज को लगाना। एलईडी लाइट्स का जो माइनस पिन है उसे हम बैंड कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, माइनस पिन सभी कॉमन है। और मैं लाइट को होल्ड करने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि सोल्डरिंग करते टाइम लाइट हिले ना। अब सोल्डरिंग कर लेते हैं। इस टाइप से आपको सोल्डरिंग कर लेना है। और मैंने सभी लाइटों को लगा लिया है। और यहाँ पे दोस्तों एलईडी लाइट्स की कौन सी पिन से लगेगा वो मैंने पहले ही सर्किट डायग्राम में दे दिया है। आपको उस सर्किट डायग्राम के हिसाब से वायरिंग कर लेनी है लाइट की। और आप वायर ले लेंगे और मेन जो कनेक्शन है उसे कर लेंगे। मेन जो वायर है वो 3 ही होगा क्योंकि चेसर बोर्ड जो है वो 3 चैनल का है, इसलिए 3 तार ही बनेगा।
और इस माइनस वायर को जोड़ लेते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई के वायर्स, और ये बोर्ड बन के रेडी है। आप अब सिर्फ पावर सप्लाई देना बाकी है। और यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर लगा है उससे आप लाइट का स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो रजिस्टर यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास 330 ओम्स का रजिस्टर नहीं था, इसलिए मैंने 220 ओम और 100 ओम रजिस्टर को सीरीज में करके 320 ओम्स का बना लिया है। अब पावर सप्लाई देते हैं और इस पोटेंशियोमीटर से आप चालू कर लेंगे। लाइट बंद कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप इस पोटेंशियोमीटर से स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। ये बहुत स्पीड हो गया है, ये आप ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए।